वफाकी काबीना ने अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक क़या सराइयों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं होगा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातोखा जवाब दिया जाएगा। पीटीआई और जेशुआई समेत ऑपोजिशन और इतिहादियों के तहफ़ुज़ात दूर होंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम पर कौमी इतफाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, इस पर सबसे मशवरा और इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान के मईशत साथ नहीं चल सकते, नैब सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। मिसाक मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे, अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें, पीपल्स पार्टी साथ है। वफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। हुकूमत टैक्स टू जीडीपी पर 13% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बजट में एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए। वक्त आ गया कि जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तस्ना बरकरार रखा गया है। पीआईए की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत तालीम और सेहत के शोबे में हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असेंबली में खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए कि वफाक के साथ चलें, बानी पीटीआई के फलसफे पर चलें तो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई का किसी भी तरह मुल्क से ताल्लुक नहीं, बानी पीटीआई की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इक्तदार से है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। पीटीआई को सुन्नी इतिहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था, अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तश्वीश थी कि तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इतिहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाप्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा तहरीक इंसाफ केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इतिहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशस्तें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जो फैसला चैलेंज नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। कोई प्रेशर था या नहीं दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान निकाह इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन जज अफजल मजोका 27 जून को दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी पार्टी इजलास का फैसला बताएंगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू।
पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इनको इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना यूएई से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। फैसला होने वाला है, मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है, 30 अगस्त से पहले पहले फैसला हो जाएगा कि कब्र एक है, मुर्दे तीन है, कि कब्र में कौन जाएगा। मुल्क अहम तरीन दौर से गुजर रहा है, इन भिखारियों को कहीं से कोई खैरात नहीं मिली, चीन से भी मुंह लटकाए हुए वापस आए, कब्र एक है मुर्दे तीन है, 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कब्र में कौन जाएगा। लोगों को उठाना फैशन बन गया, पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब हिजड़े नाचते नहीं, जहाँ से गुजरते हैं लोग उसको पैसे देते हैं। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद की मीडिया टॉक, सरबराह अवामी लीग के खिलाफ कराची के थाना मोचको और लसवेला में दर्ज मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं, आप एक ऐसे सिस्टम की इजाजत दे सकते हैं जिसमें सर्वेलेंस की जा सके। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मावनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या बेवकूफ़ थी पार्लियामेंट जिसने कानून बना दिया? आपने 11 साल में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया, 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। खत्ते और दुनिया को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। कश्मीर से फलस्तीन तक दरीना हल तलब मसाइल हैं। इसराइल के गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। गजा में गैर मामूली सानहा हो रहा है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में अमन के लिए अक़वामे आलम को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान यूएन करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल चाहता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पंजाब भर के स्कूल्स में हफ्ते को भी तातील होगी, वज़ीर तालीम का ऐलान। उसातज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुम्मे तक यौमिया तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, केवी बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और जी आई खान में बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी कयामत खैज गर्मी का इम्कान। शहर कैद में मजीद 7 अफराद की लाशें बरामद। 2 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 17 हो गई।